जय जोहर, नमस्कार, मैं हूं तपेश जैन और खबर 40 में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है आदरणीय श्री चंद सुंदरानी जी, जो कि चैम्बर में लगातार कई साल तक अध्यक्ष भी रहे, चेयरमैन भी हैं अभी, और एक व्यापारी एकता पैनल है उसके आप चेयरमैन हैं। अभी रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं और लंबा समय हो गया है इंडस्ट्री और उद्योग के मामले में। तो हमारा जी जैसा विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में की उद्योगों की अपेक्षाएं और सरकार की उपलब्धियां, तो क्या लगता है उद्योगों की क्या समस्याएं, आपको अगर ईमानदारी से कहा जाए तो क्या ठीक कर सकती है सरकार, उस दिशा में आप काम भी कर रहे हैं? देखिए, उद्योगों की मेन समस्या कोल की सप्लाई बढ़ाने की बात उन्होंने की, बिजली के दरों को लेकर बात की और GST में कई सारी विसंगतियों के बारे में माननीय पीयूष गोयल जी, हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जी रायपुर आए थे। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के तत्वाधान में आयोजन हुआ था और बहुत सारी उन्होंने अपनी अपनी तकलीफें बताई। जिस दिशा में माननीय पीयूष गोयल जी ने कुछ तत्काल निर्णय लिए, कोल की सप्लाई के आदेश दिए, रेल व्यवस्था को लेकर, रेक को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें उठाई, उन्होंने रेल मंत्री अधिकारियों को निर्देश दिए, GST में भी सुधार की बात उन्होंने की। क्योंकि हम ये मानते हैं कि उद्योग और व्यापार जिस प्रदेश में बढ़ता है वहाँ रोजगार के संसाधन बढ़ते हैं, और एक उद्योग लगता है तो 100 200 300 400 लोगों को रोजगार मिलता है। पिछले काफ़ी दिनों से उद्योगों की हालत खस्ता थी, लेकिन एक बीच में ऐसा बूम आया, लोहे के दामों में वृद्धि हुई, उसके कारण से थोड़ा सा सांसें लेने लगा उद्योग। अब फिर से एक उद्योग को राहत देने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक दिशा में सोच रही है और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रों में हमारे नए औद्योगिक केंद्र बन रहे हैं, उन दिशा में भी सरकार काम कर रही है। सरकार ने छत्तीसगढ़ के उद्योग के बढ़ावे के लिए जितने निर्णय लिए हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ उद्योग के क्षेत्र के लिए, निवेश के क्षेत्र में, आज मैं पूरे देश की आबादी की बात करूं तो 2% 3% हमारी देश की आबादी का हिस्सा छत्तीसगढ़ होगा, लेकिन हम कोल सप्लाई की बात करें तो 18% हमारा कोल का सप्लाई है, कोल का उत्पादन है। वहीं स्टील के क्षेत्र में कोर क्षेत्र की बात करें तो 20% हम पूरे देश में पैदावार करते हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में अपार संभावना है। धान का कटोरा है, राइस मिल उद्योग की बात करें, दाल मिल की बात करें, तो ये सारे उद्योगों को कहीं ना कहीं जो विसंगतियां हैं दूर करके इनको राहत देने की मांग हम चैम्बर के माध्यम से, और मैंने क्षेत्रीय राजधानी के विधायक होने के नाते भूमिका निभाते रहा हूँ और एक सेतु का काम करता हूँ उद्योग और व्यापार और सरकार के बीच में। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार बहुत जल्दी बहुत ही सकारात्मक कदम उठाएगी, छत्तीसगढ़ में फिर उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, GST में भी जो विसंगतियाँ वो दूर होगी। बहुत सारी विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया और हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हमारे जो वाणिज्य कर मंत्री आदरणीय अमर अग्रवाल जी है, जो टैक्स GST काउंसिल के सदस्य भी हैं, बड़ी भूमिका वो निभाते हैं। छत्तीसगढ़ को लाभ मिले वहाँ तक नहीं, पूरे देश के व्यापारियों को लाभ मिलता है उनके सुझावों से, और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी भी उनके सुझावों को बहुत तवज्जो देते हैं, उससे हमारे पूरे देश भर के व्यापारियों को बहुत राहत मिली है और भी जो अपेक्षाएं हैं निश्चित रूप से मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि चैम्बर को पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर आए और आपने उसके लिए बहुत प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फिर एक बार चैम्बर को उसकी ऊँचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।